मजा आ रहा है। कई बार होता ना छोटे से कमरे से बड़ा मजा आता है। पर मैं छोले तो खा लूँ, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मैंने गाइज आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना कि मैंने ब्लैक नेल पेंट ली है, तो फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी, रब कर दी थी मैंने जो पहले लगाई हुई थी, और ट्रस्ट मी गाइज बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर, शुरू से ही बहुत पसंद है। सो गाइज शाम का टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, सब्जी मैं बना के जा रही हूँ क्योंकि फिर ना टेंशन फ्री होता है बंदा, आराम से बैठता है मंदिर में। तो ये मेरी सब्जी बन रही है, पेठे की सब्जी है। सीटी लगवा दी थी सब्जी को अच्छे से, अब खुले में चढ़ा दी है सब्जी। तो ये जितने में होती है तब तक हम जाते हैं। आरुष रहेगा घर पे, आरुष मैं और पापा जा रहे हैं हम लोग मंदिर। तो आप सबको भी साथ लेके चलूंगी, मेरे साथ चलना और आप भी देख लेना, मंदिर के दर्शन करवा दूंगी और साथ में आशीर्वाद भी ले लेना। आज मैंने सूट पहना हुआ, आप देख सकते हो गाइस कितने दिनों के बाद मैंने ये सूट पहना हुआ है, और साथ में जो मैंने सुबह ली थी ब्लैक कलर की नेल पेंट वो लगाई हुई है, और पैरों में भी लगा रही है ब्लैक कलर की नेक पेन, बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो फिर चलते हैं। गाइस हमारा खाना तैयार है रात का, ये अभी नहीं आया है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसलिए मैं खाने लगी हूँ। पापा को खिला दी है, आरुष भैया ने खा लिया है, और अब बारी है मेरी, बेटी अभी बाद में खाएगी अपने पापा के साथ, तो मैं लगी खाने। आ जाओ आप सब भी खा लो, जिस जिसने खानी है। 9:15 का टाइम है, 9:15 बजे मुझे बहुत भूख लग रही है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, मिस्टर मिसेस वर्मा। और मॉर्निंग का टाइम है, 11:30 हुए हैं, तो सबको हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। और बेटा मेरा कैसे देख रहा है क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ आज राखी का सामान लेने के लिए। इनको मैंने बोल दिया था सुबह सुबह जल्दी आइसक्रीम बना के आ जाना, तो नाश्ता हमने कर लिया है लेकिन डस्टिंग अभी नहीं हुई है, मैं सिर्फ रेडी हुई हूँ, डस्टिंग मेरी बेटी कर लेती है, उसके हवाले घर छोड़ जाती हूँ। बेटा घर पे है और पापा घर पे हैं, मैं और ये जा रहे हैं, और पीछे बहुत ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ है जैसे हर मॉर्निंग में पड़ता है सबके घर में। तो ये बोले कि जल्दी जल्दी चल, अगर डस्टिंग वस्टिंग करने लगी तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा, मैंने भी जाना अपने काम पे, नहीं जाना, जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आप सबको भी साथ लेकर चलूंगी, तो आप सब भी। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आप सबको मैंने बोला था ना मैं आपको साथ लेकर चलूंगी। तो ये है हमारे यहाँ का मार्केट, आप भी देख लो, फील्डगंज है इसको, फील्डगंज कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सब कुछ सामान मिलता है जो भी आपने लेना है, मेकअप से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड। आप देख सकते हो गाइस कि कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, अनस्टिच सूट है, स्टिच सूट है, बहुत प्यारे प्यारे थे। और चाहे आपने हील्स लेनी है हील्स ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, ये यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे ये रोक रहे हैं कशिका, मैं यहाँ पे ही आती हूँ जब मुझे टॉप वगैरह लेने होते हैं तब मैं यहीं पे आती हूँ, तो ये हम कहीं और नहीं जाते, यहीं पे रोकते हैं ये कशिका कलेक्शन। तो यहाँ से मैं देखती हूँ कि मुझे क्या पसंद आएगा, तो मुझे तो वैसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि पता नहीं गर्मियों में क्या हो गया यार, कैसे कपड़े आ रहे हैं, ड्रेसेस कैसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ना कॉटन के कपड़े ज़्यादा पसंद है, लेकिन जॉर्जेट वगैरह की ड्रेसेस बहुत पड़ी हुई थी, मुझे वो नहीं अच्छी लगी क्योंकि पहनी नहीं जाएंगी गर्मी में तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैं राखी के लिए लेने आई थी, अपनी गुड़िया के लिए और अपनी सिस्टर के लिए, तो मैं देख रही थी क्या लूँ क्या लूँ, कौन सा अच्छा लगे। मैं ना एक तो कम प्राइस हो और एक अच्छा लगे, मैं वो चीज़ देखती रहती हूँ, तो मुझे मिल गया था फिर मैंने ले लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ राखी, राखी में भी मैं बोल रही थी कि सिंपल सी लूँगी धागों वाली, जो कि ना चुभे ना। आरुष भी ना डालता नहीं है दूसरी राखी, तो वैसे तो कुछ भी नहीं डालता वो हाथ में, उसने आपने देखा होगा कि वो कड़े तक नहीं पहनता, तो चांदी के कड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, उसने एक बार भी नहीं डाले हैं।
तो यहाँ पे फिर मैं धागे वाली राखी देख रही थी, फिर मेरे दीदी के बच्चों ने आना है उनके लिए भी और आरुष के लिए भी, तो फिर इसलिए मैं राखी लेने के लिए गई थी क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैंने सोचा आई तो हुई हूँ मार्केट में तो राखी का भी काम कर ही डालूँ, तो फिर मैंने वो भी ले लिया। आप देख सकते हो गाइस, मैंने आपको दिखाया आप यहाँ की मार्केट कितनी अच्छी सजी हुई थी, एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी। और ये मुझसे पूछ रहे थे जल्दी कर ले पसंद आई क्या तेरे को, तो फिर मेरे को पसंद आई, मैंने ये दिखाई कि हाँ मुझे ये थोड़ा पसंद आई है तो मैं ये ले लेती हूँ। तो टोटल मैंने 8 राखी ली थी, ठीक है, एक भगवान जी को बांधने के लिए और बाकी सबको बांधने के लिए मुझे ये पसंद आई थी। फिर मैं दे रही थी पैसे, मुझे नहीं पता इन्होंने वीडियो भी बना लिया तो मैंने वो भी डाल दिया। राखी ज़्यादा महंगी नहीं थी, 10-10 रुपए वाली थी, तो फिर पहली बार ऐसे हुआ कि मैंने इतनी सस्ती वाली राखी ली, नहीं तो मैं हमेशा बढ़िया ही लेती हूँ। तो यहाँ की ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इनको बोला भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट पता नहीं इनको क्यों नहीं पसंद आई, बोले नहीं इतनी सुंदर नहीं है। तो यहाँ से फिर भी मैं देख रही थी कुछ अच्छा लगा मुझे और पर मैंने लिया नहीं। और चल बोल गाइस, आप पी लो, इनको पीने कितनी जल्दी है कि भूल गए आपसे पूछना, ये लो पी लो। पहले मेरी बनानी है ना, आज मैं की कर रहे हो आइसक्रीम का सामान लेने आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आइसक्रीम का सामान जो भी उसमें पड़ता है वो एट में लेने आया हूँ। कब है डिस्पोजल? अभी भैया दे रहे हैं, सामान डाल रहे हैं। ये है GMS पाउडर, आइसक्रीम के अंदर पड़ता है। होता भैया के अंदर वैसे गुजली मोनो स्ट्रीट की चीज़ है, गुजली मोनो स्ट्रीट, ठीक है। और ये है कस्टर्ड पाउडर, इसका तो आपको पता ही होगा कस्टर्ड पाउडर का। और ये मैंने लिया डिस्पोजल, आजकल वायरस करके जो पहले मैं कांच के गिलास में डालता था डिस्पोजल में डाल रहा हूँ। गाइज अब घूम घूम के बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम यहाँ पे नान खाने आ गए थे। हम लोग यहीं पे आते हैं नान खाने के लिए, आप भी देख लो ये मिक्स नान है, इतने अच्छे लग रहे थे ना देख के, भूख लगती है नहीं भी वो बंदा फिर भी खा लेता है। मिक्स वेजिटेबल है ये और पेड़े में इसका आटा गूंद के और इसको तंदूर में पकाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं गाइज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के। तो ये आपको नेम बता रहे हैं, आप भी नोट कर लो, अगर आप लुधियाना में रहते तो यहाँ पर ज़रूर आना खाने के लिए। ये इनके वाले रूम में आए हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सामान यहाँ पे रखा हुआ है और ये बहुत भूख लग रही थी इसलिए हम खा रहे हैं। आ जाओ गाइस आप भी खा लो, खा चुके हम लोग, थोड़ा सा रह रहा है तो वो हम लोग खा रहे हैं, हाथ नहीं। हाँ हाँ हाँ, जो हाथ से मजा ना खाने का किसी चीज़ से नहीं है। क्या लेके आए हो? छोटू से कमरे में हम लोग बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा है। कई बार होता ना छोटे से कमरे में बड़ा मजा आता है। पहले मैं छोले तो खा लूँ, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। मैं तो जोरू का गला बन के रहूंगा, वो पिया मेरी। गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और ये हमारा वेट कर रहा था, एक्चुअली हमारा नहीं वेट कर रहा था, फोन का वेट कर रहा था, बोला फोन दे दो जल्दी जल्दी, और पसीने से एकदम लथपथ है। और चाय हमारी तैयार है, गुड़िया रानी खा रही है नान, हम लोग नान लेके आए थे, ये देखो हमने तो खा लिया था वहीं पे, आपको दिखा दिया था, तो ये खा रही है अब नान, चने रखे हुए हैं और ये बना के बैठे होते हैं जनाब जी मैगी। और ये थोड़ी देर लगा रहे हैं सोने की, अपनी नींद थोड़ी पूरी कर रहे हैं क्योंकि थक चुके थे, हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। और बनी है यहाँ पे चाय, पी लीजिए गाइस चाय। पापा की फिल्म आ रही है, उनकी फेवरेट मुगले आजम, तो पापा देख रहे हैं मुगले आजम, हम भी चाय पियेंगे, थोड़ी सी फिल्म देखेंगे मुगले आजम और फिर सो जाएंगे दोपहर में क्योंकि थक चुके हैं। ये उठ गए मेरी बात सुन के, चाय पी लो और अपने काम पे जाओ, बड़ा काम खत्म। मैंने राखी ले ली, दो तीन काम और करने थे वो कर लिए। सो गाइस ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा, एक्चुअली छोटू सा नहीं बहुत बड़ा हो गया, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, पसंद लगे तो मेक श्योर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल। और बाय गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।